हेलो एवरीवन, दिस इज़ पृथ्वीराज फ्रॉम कॉमर्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, देखो सबसे पहले ध्यान से देखना। फैक्टर सर्विसेज का मतलब, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो जो भी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, जो जो भी आप उसके अंदर सर्विसेज को यूज़ करोगे, जो आपके प्रोडक्शन में गुड्स के या फिर सर्विसेज में हेल्प करेंगे, उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है सर, क्या क्या होती हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर हेल्प करती हैं उसको हम बोलते हैं आपके फैक्टर सर्विसेज। अब कितने टाइप की फैक्टर सर्विसेज होती हैं, सबसे पहले देखो ध्यान से, मान के चलते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं कोई आईटी रिलेटेड बिजनेस, जैसे फेसबुक वगैरह है ना, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, मैं कोई ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरे को ना सबसे पहले तो जगह चाहिए। अब समझ में नहीं आया कहाँ से लेके आऊँ, इतना बड़ा ऑफिस जहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉय बैठेंगे उसके लिए जगह चाहिए। तो ये जो भाई साहब हैं, इनका मैंने ऐड देखा था फॉर रेंट। अब मैं इनके पास गया कि भाई साहब मेरे को ना एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, ताकि मैं वहाँ पे एक अपनी फैक्ट्री, अपने एक ऑफिस खोल सकूँ, मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम आपको रेंट की ज़मीन दे देंगे। अब इन्होंने जो मेरे को ज़मीन, जो इन्होंने बिल्डिंग, जो लैंड इन्होंने प्रोवाइड कराई है, उसके बदले में रेंट वसूल करेंगे। इन्होंने पूछा क्या कितना रेंट दोगे, तो सेटलमेंट होगा, मैं इनको रेंट पे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ होती है फैक्टर सर्विसेज का, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो आप पढ़ोगे आगे कितने टाइप की फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है लैंड। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को कवर करेंगे, लैंड। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला जो एलिमेंट आपको चाहिए, पहली जो फैक्टर सर्विसेज चाहिए वो होती है लैंड। वो इन भाई साहब से यहाँ पे पूरी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं सेकंड सर्विसेज की। अब लैंड तो मिल गया, मेरे को तो ऐसे एम्प्लॉय भी तो देखने पड़ेंगे जो जिनका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड होगा, जिनको आईटी की नॉलेज होगी। तो सबके उसके बाद लैंड के बाद मेरे को चाहिए होगी लेबर। लेबर मतलब एम्प्लॉय मेरे को चाहिए होंगे जो मेरे फैक्ट्री में, मेरी कंपनी के अंदर काम करेंगे। तो मैं इन भाई साहब के पास गया, थोड़े दिखने में प्रोफेशनल लग रहे थे, वो टोपा टोपी वो सब कुछ पहन के आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे यहाँ पे काम करोगे, इन्होंने बोला ठीक है। हमें क्या मिलेगा, अब इनको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, चलो सर इनको मिलेगी वेजिज सैलरी, वो इनको पे कर देंगे। यही बड़े खुश हो गए कि ठीक है, हमें सैलरी मिलेगी, हमें जॉब मिल गई है। अब उसके बाद में जो तीसरी चीज़ जो होती है, जो हमें चाहिए थी, वो हमें चाहिए थी पैसा। पैसा पैसा पैसा, वो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पैसा। वो कहाँ से लेके आऊँ, वो तो है ही नहीं मेरे पास, और मेरे को तो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी इतनी बड़ी कोई कंपनी बनानी है। तो पैसे जो बिज़नेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमें बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए। अब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से लेके आए पैसा। मैं गया, ये जो चाचा दिख रहे हैं, इन चाचा के पास। तो इन चाचा के पास गया, चाचा पैसे दे दो। तो देख रहे हो कितना अकड़, कितना एटीट्यूड है, कैसे जूते दिखा रहे हैं मेरे को। चाचा पैसे दे दो, पैसे चाहिए, बिज़नेस चलाना है। बड़ी रिक्वेस्ट की इनसे। उसके बाद बोलते हैं वापस कब देगा। तो मैंने बोला जाता कम से कम 5 साल 10 साल लगते हैं बिज़नेस चलाने में, उसके बाद देंगे आपको पैसे। तो ये बात मैंने इनको बोली। क्या कह रहे हो, वीडियो चल रही है, ऐसी गाली तो मत दो। ये मैं गंदी गंदी गाली देने लगे कि 10 साल के बाद देगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा उससे। आज तो पैसे ले जाएगा, फिर 10 साल के बाद ला के देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने जुबान शांत कराई, मैंने बोला ठीक है चाचा, एक काम करो, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ज़्यादा बकबक ना करो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पैसों का भी जुगाड़ हो गया। अब उसके बाद में फिर हमें चाहिए, अब मेरा तो बैकग्राउंड आईटी का है नहीं, मेरे को तो पता नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे रन होता है, मेरे को तो उसकी नॉलेज है नहीं। मेरे को थोड़ा बहुत जो भी कुछ डेबिट क्रेडिट खेलते रहते हैं बस वो ही आता है, उसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं हमें। अब उसके बाद में मैं गया, वो जानते हो ना इनको, ये उधर सबसे लास्ट में देखो, उनको जानते होंगे, वो FB वाले भैया हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया भैया आपने फेसबुक इतना अच्छा रन करा है, आप इतने मतलब रिचेस्ट पर्सन में आते हो, आप सबसे यंग रिचेस्ट पर्सन में आते हो, कैसे कैसे किया, थोड़ी बहुत तो अपना ज्ञान दो हमें। तो फिर ये भी बोलने लगे कि फिर मुझे क्या मिलेगा।
अगर मैं तेरे को सिखाऊंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा। तो फिर मैंने बोला सर आपको क्या मिलेगा, ये भी बात ठीक है, आप इतना टाइम दोगे। तो फिर हमने इनको बोला कि आप एक काम करो, हम ना आपको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट कमाएंगे ना, प्रॉफिट में आपको भी हम मतलब पार्टी रखेंगे, उसके अंदर हम आपको भी हम पार्टीशन देंगे जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब इस सर्विस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस चलाने के लिए जो मेरे को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस चलाने की नॉलेज जो होती है कि कैसे कोई बिजनेस को रन करना है, कैसे बिजनेस चलेगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चाहिए होंगी, मतलब पूरा जो मैनेजमेंट स्किल जो होती है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, तो हमने जो जो पढ़ा एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंड, लैंड वाले को क्या मिलेगा, उसको मिलेगा रेंट। लेबर वाले को क्या मिलेगा, लेबर वाले को मिलेगा वेजिस। और कैपिटल वाले को क्या मिलेगा, चाचा को क्या देंगे, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रॉफिट। अब फटाफट आप इस देखो, लैंड जो ज़मीन प्रोवाइड कराएगा हमें बिजनेस चलाने के लिए उसको हम रेंट पे करेंगे, जो हमें लेबर प्रोवाइड कराएगा उसको हम सैलरी या वेजेस पे करेंगे, जो हमें पैसा देगा मतलब वो चाचा जो थे, जो हमें कैपिटल प्रोवाइड कराएगा उनको हम इंटरेस्ट देंगे, और जो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस चलाने का तरीका हमें बताएगा कि कैसे बिजनेस को रन करना है, कैसे मैनेजमेंट स्किल है या फिर बिजनेस कैसे चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप उसको हम क्या पे करेंगे, उसको हम प्रॉफिट का हिस्सा पे करेंगे। तो ये टोटल चार फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों को मिलके आपका बनता है फैक्टर सर्विसेज, और ये चारों चीज़ें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों चीज़ों को जो प्रोवाइड कराता है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। दोबारा सुनो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चार चीज़ों को जो भी प्रोवाइड कराते हैं उनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और जिसको प्रोवाइड करा रहे हैं मतलब किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। तो दो सेक्टर पढ़ने हैं आपको यहाँ पे, हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड क्या काम करते हैं, वो लैंड प्रोवाइड कराते हैं जिसके पास ज़मीन होती है, लेबर प्रोवाइड कराते हैं मतलब वो नौकरी करते हैं, या फिर वो कैपिटल जिसके पास पैसा हो तो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होती है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले में उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो टोटल चार चीज़ें हो गई हैं, इनको प्रोवाइड कराने वालों को बोलते हैं हाउस होल्ड, और जिनको ये प्रोवाइड करा रहे हैं मतलब जिसको इन्होंने ज़मीन किराए पे दी, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने पैसे अपने इन्वेस्ट करे हैं, जहाँ पे ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। तो ये टोटल चार चीज़ें हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा ये जो चार चीज़ें मिलके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो इनको मिलता है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं फैक्टर की पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अभी हमने पढ़ा फैक्टर सर्विस, और उसके बाद में ये चार चीज़ें मिलके लैंड वाले को रेंट, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। ये जो आपने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों चीज़ों से मिलके बनती है फैक्टर की पेमेंट। ठीक है सर, हो गया, अब आ गया समझ में, अब ज़्यादा ना पकाओ। अब उसके बाद आगे देखो, स्टॉक, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ अभी इनकम वाला कुछ टच किया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, सारी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लो, फ्लो क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, फ्लो से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है, फ्लो का मतलब होता है जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी वेरिएबल फैक्टर की मेजरमेंट करते हो, किसी का भी मेजरमेंट करना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ पूरे के पूरे 2019 ईयर में कितने बर्थ अपने इंडिया में हुए हैं, या फिर मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर क्या है, या फिर कितनी कार, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कितनी कार इंडिया के अंदर सेल करी हैं 2019 में। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक पीरियड बता रहा हूँ कि एक साल का, एक महीने का, एक हफ्ते का, या फिर 5 साल का, या 6 महीने का। फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको चीज़ों को मेजरमेंट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मेन जो वर्ड है उसको हाईलाइट करो, पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब इट रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब सर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं पूछता हूँ कि बताओ कल आपके अकाउंट में क्या बैलेंस था,
अगर मैं आपसे क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा हूँ तो वो स्टॉक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च 2019 को जो भी गया है, 31 मार्च 2020 को आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, तो ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे एक सिंगल डेट के बारे में पूछता हूँ, अगर मैं आपसे सिर्फ एक डेट के बारे में पूछता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछता हूँ, उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इट रेफर्स टू वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब चीज़ों को मेजरमेंट करते हो उसको बोलते हैं स्टॉक। और जब आप एक पीरियड के बीच में, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, जब आप स्टार्टिंग और एंडिंग, जिसकी दो डायमेंशन होती है, अगर आप एक पीरियड के बीच में अगर किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं फ्लो। ठीक है, अब इसके बाद में इसके डिफरेंस पढ़ते हैं दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, सब ध्यान से देखो। इट इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। फ्लो में क्या होता है, फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, एक पीरियड होता है, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आता है पे फ्लो, और एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक। अब उसके बाद में आगे देखते हैं स्टॉक में क्या लिखा हुआ है। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसके अंदर ना टाइम डायमेंशन होती ही नहीं है स्टॉक में, क्योंकि एक ही टाइम पे मेजरमेंट होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, दूरी या फिर छोर या फिर दो हिस्से जहां से एक स्टार्ट होगा एक खत्म होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे एक ही चीज होती है। लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो के अंदर ना टाइम डायमेंशन यूज होती है, वहां पे एक पॉइंट स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। उसके बाद में स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये कभी चेंज नहीं होता, सिंगल डेट मतलब सिंगल डेट ही रहेगी। लेकिन फ्लो में क्या है ना कि फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि बताओ पूरे मार्च मंथ में मारुति कंपनी ने कितनी कार सेल करी है। अब मार्च में कितनी कार सेल करी, हो सकता है कि फर्स्ट मार्च को ज़्यादा कार सेल हुई हो, सेकंड को थोड़ी कम हुई हो, थर्ड को ज़्यादा, या फिर अगर नवरात्रि वगैरह जब होता है अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर तो ज़्यादा लोग कार खरीदते हैं, हो सकता है उन दिनों में ज़्यादा कार बिक गई हो। तो फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट में चीज़ें अप डाउन चलती रहती हैं। मतलब यहाँ पे ये डायनेमिक नेचर का होता है, कभी ये डाउन जाएगा तो कभी अप, कभी डाउन, कभी अप। तो फ्लो कॉन्सेप्ट में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। लेकिन स्टैटिक कॉन्सेप्ट में एक ही डेट है, एक ही दिन है, तो उसमें कोई भी अप डाउन नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल एकदम टू द फॉरवर्ड रहेगा। अब उसके बाद आगे देखो एग्जाम्पल वही लिखे हुए, क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली ऑन 5th अप्रैल 2020, 2020 में कितनी मारुति की कार इंडिया के अंदर थी, अब मतलब दिल्ली के अंदर थी, तो वो तो फिक्स हो गया ना कि हाँ उतनी कार थी। अब थोड़ी ना कि अब कोई 6 तारीख को अगर नई गाड़ी लेके आएगा उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे उसमें, क्योंकि मैं तो एक ही डेट की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल दूसरा क्या है, नंबर ऑफ बर्थ इन 2019 में कितने बच्चों का जन्म हुआ। अब उसमें हो सकता है कि एक दिन तो बहुत सारे हो गए हों, एक दिन बहुत कम हो, तो ये चेंज होता रहता है फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद में आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, जो अपना नाम ही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो तो अभी तक पढ़ाया नहीं आपने, इतनी देर से बोलते जा रहे हो। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, एक किसी भी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं या यूएसए की, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो मनी होती है ना, वो ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घूमती रहती है। इसका क्या मतलब होता है गोल गोल घूमने का, मतलब अगर आज मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी दुकान पे गया, मैं वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाया, तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस शॉपकीपर के लिए तो वो इनकम हो गई ना। तो इसमें क्या होगा ना कि मेरी जेब से जो पैसे निकले उसके लिए उसकी इनकम बन गई। तो इसमें क्या होगा ना, पूरी इनकम पूरे इकोनॉमी के अंदर ऐसे सर्कुलर वे में घूमती रहती है कि आज मैं खर्चा करूंगा तो दूसरे की इनकम बनेगी, जब वो खर्चा करेगा तो मेरी इनकम बनेगी। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ, देखो ध्यान से। टोटल ना 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये होता है आपका पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, ध्यान से देखना। इसमें आपको दिख रहा होगा टोटल 3 फेज है। मैं फर्स्ट फेज की बात करता हूँ, सबसे पहला फेज कौन सा होता है, फर्स्ट फेज आपका होता है प्रोडक्शन फेज। इस केस में जो हमने ऊपर जो पढ़ा ना, हाउस होल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं दोबारा से, कौन कौन सी सर्विसेज, पहली होती है लैंड, दूसरी होती है लेबर, तीसरी होती है कैपिटल, और फोर्थ होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों लोग, कोई अपनी जमीन किराए पर देता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई कैपिटल पैसे प्रोवाइड कराता है, या फिर कोई अपनी मैनेजमेंट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराता है, किसको, फर्म को, मतलब फैक्ट्री के मालिक को। अब ये जो चार लोग मिलके जो सर्विसेज अपनी अपनी प्रोवाइड कराते हैं फर्म को, फैक्ट्री के मालिक को, प्रोडक्शन करने में जो उसकी हेल्प करते हैं, अब वो होती है फर्स्ट फेज, मतलब प्रोडक्शन फेज। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब काम तो हो गया सर, उसके बाद में अब इनको पैसे भी तो चाहिए, वरना ये लोग तो फिर अगले दिन चाहेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे,
मकान मालिक क्या करेगा, अगर उसको किराया ना दो तो फिर बाहर निकाल देगा, और उसके बाद कोई लेबर को अगर सैलरी ना मिले तो स्ट्राइक करेगा, हड़ताल करेगा, कल से नौकरी पे नहीं आएगा। कैपिटल वाले को अगर ब्याज नहीं दोगे तो केस कर देगा, अपने पैसे मांगेगा। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप किसी मैनेजमेंट स्किल को अगर आप पैसे ना दो तो आपका लॉस करा देगा, फिर भाग जाएगा छोड़ के। ठीक है सर, तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में इन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड कराई। सेकेंड फेज में क्या होता है, इनकम फेज में जिसने अपनी जिसने जमीन प्रोवाइड कराई थी जहां पे हम किराए पे हैं उसको हम क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। जिसने लेबर प्रोवाइड कराई थी, जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर हैं, उनको हम वेजेस पे करेंगे। जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड कराई थी, कैपिटल मतलब जिनका पैसा हम यूज कर रहे हैं, उस चाचा का पैसा जो यूज कर रहे हैं, उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप, अब मेरे को तो पता नहीं था कि कैसे मतलब आईटी में कैसे काम होता है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर लगता है, तो उस एफबी वाले भैया को हम प्रॉफिट पे करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को। तो सेकंड फेज में तो ये हो गया टोटल मिला के। अब उसके बाद में जिन लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, जिन लोगों को पैसे मिल चुके हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करेंगे, या फिर वो अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, सारे काम करेंगे। तो तीसरा फेज क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। इस तीसरे फेज के अंदर वो क्या करते हैं, जिनको जो पैसे मिले थे अपने अपने काम के, अब यहाँ पे वो उस पैसे को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे मतलब डिस्पोज ऑफ करेंगे, अपनी इनकम को, अपने इनकम का डिस्पोजिशन करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। ये तीसरा फेज होता है। टोटल दोबारा ध्यान से देखो, पहला फेज क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है सर वो वाला फेज जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, इसको हम जनरेशन ऑफ इनकम या फिर प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इस केस में जो वो चार फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो चारों मिलकर फर्म को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है सर, सेकंड फेज में क्या होता है, जो लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको उनके हिस्से की इनकम मिलती है। कैसे कैसे इनकम मिलती है एक बार दोबारा बताओ, लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलती है आपका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो सेकंड फेज में क्या होता है, इन चारों लोगों को इनके हिस्से की इनकम दे दी जाती है। ठीक है सर, अब बात तीसरे फेज की, थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में ये चारों लोग घर जाके अपने अपने पैसों को अपने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। कैसे, कोई अपना राशन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, जो भी जिसको घर खरीदना वो सारे काम करते हैं। तो तीसरे फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में आके ये लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, अपनी इनकम का डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो तीसरे फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, टोटल तीन फेज हो गए। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब एक बार ना बस फटाफट से आप दो मिनट लगा के रिवाइज करा दो और ज़्यादा बोर मत करो। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने चैप्टर स्टार्टिंग किया, ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब छोटा सा चैप्टर है लेकिन पेपर में कभी कभी तीन चार नंबर में ही पूछा जाता है। अब इसमें होता है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको दी जाने वाली पैसों को, पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर की पेमेंट। ठीक है सर, अब उसके बाद में हमने पढ़ा स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज़ का मेजरमेंट करना, कि बताओ कल के दिन आपकी जेब में कितने पैसे थे। तो कल का दिन मतलब कल का दिन, ना तो मैं परसों की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। और जहाँ पे एक पीरियड आ जाता है जिसका कुछ ना कुछ फर्स्ट डे या लास्ट डे होगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग डायमेंशन जो होगी उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, विच कैन बी मेजर्ड एट ए मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लो, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कि स्टॉक के अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती, स्टॉक एक सेरेटिक नेचर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्लो के अंदर डायमेंशन होती है और फ्लो एक डायनेमिक नेचर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आते हैं इस पैराग्राफ पे, अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स ए साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये बात कर रहा है आपका, ये है आपका फर्स्ट फेज जनरेशन ऑफ इनकम, ये था आपका जनरेशन ऑफ इनकम। अगर आप वो डायग्राम ना देख के डायरेक्ट इसको पढ़ते ना कुछ समझ में नहीं आता। ध्यान से देखो, इट इज ए साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब ये फर्स्ट फेज की बात कर रहा है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद में कोमा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनकम को, किस किस को, लैंड वाले को रेंट, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप वाले को प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये इनका थर्ड फेज आ गया, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। टोटल ये तीन फेज है, ये हमने आज पढ़े। अब उसके बाद कल वाली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कल हम रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। आज ये वाली क्लास थी, क्लास की ड्यूरेशन मैं सोच रहा हूँ ना यही 15 to 20 मिनट्स की रखूँ,
ताकि आप भी बोर ना हो जाओ और साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज भी होता रहे और सिलेबस भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। जो कुछ आज न्यूज़ में चल रहा है कि 15 मई तक मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन हो जाएगा, और अगर कुछ हो या ना हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 99% चांस यही लग रहा है कि 15 मई तक पोस्टपोन हो जाएगा लॉकडाउन। बाकी गवर्नमेंट ऑफिस शायद खुल भी जाए, तो इसीलिए आपकी पढ़ाई का बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। आपके पास बुक नहीं है, स्कूल नहीं खुले हुए, या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेंगी, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सीधा वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा, www.commercefoundation.in, गूगल पे टाइप करो, वहाँ पे जाके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाके इवन जो होम पेज है उसी में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे वहीं पे आपको सारे के सारे पूरी नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करो, पढ़ो। इनके अलावा बुक में कुछ भी नहीं है, इनको ही फोकस करना ध्यान से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।